मेरे बेबी ने चाय बनाई है और चाय पी के बेबी का ये हाल है। भी कितनी गंदी चाय, दिखने में ही कितनी गंदी लग सकती है, वो पीने में कैसी होगी। ऐसा लग रहा था उसमें ना किसी ने प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला दी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। संभावना अभी सो रही है, कोको चेरी कैंडी तीनों घूम आए हैं और अब मैं उठा हूँ कॉफी बनाने के लिए। लेकिन मैंने डिसाइड किया है संभावना के लिए मैं कॉफी बनाऊंगा और अपने लिए आज मैं बनाऊंगा चाय। पहली बार खुद ट्राई कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ। कल मैंने संभावना को बनाते हुए देखा था, कुछ कुछ तो सीख लिया है, थोड़ा बहुत पहले भी देखा हुआ है, एक दो बार ट्राई भी किया हुआ, लेकिन आज बनानी है मुझे अच्छी चाय। पहले रख देता हूँ संभावना की कॉफी, साथ के साथ शुरू करता हूँ अपनी चाय। ये लाया हूँ माचिस ढूंढ के, सर माचिस से जल जाए यार, नौ भी नहीं घुमाया, कैसे जलेगी। पत्ती कितनी डालनी मुझे पता नहीं, लेट्स ट्राई। चाय बन चुकी है, कलर आप लोग देख लो, पता नहीं मुझे तो लग रहा है कि ठीक से पकी नहीं है, बट जो भी है डाल लेते हैं। संभावना की कॉफी मैंने बना दी है और संभावना को खानी होती है हर रोज सुबह एक कुकी और थोड़ी सी मूंगफली, वो भी डाल लेता हूँ। चलो जी, अपनी कॉफी, चाय, कुकी और मूंगफली तैयार। बेबी और जो बेबी बहुत लेट हो गए, 10 बज के बेबी, इनको खाना भी देना है। देखो कैसे बेचारे खाली खुजली कर करके टाइम पास कर रहे हैं अपना। पीछे कैंडी है, पैर के पास कॉफी है, गिराना मत। कैंडू उठो बेटा यहाँ से। ये देखो मैंने अपने लिए चाय बनाई खुद। मेरे बेबी ने चाय बनाई है और चाय पी के बेबी का ये हाल है, डकारे मार रहा है। क्या हो गया? कुछ तो ज्यादा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या। कॉफी पी लेते बेबी, चाय की क्या जरूरत थी तुम्हें। बेबी लेकिन शुरू नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे ना, एक दिन में दुनिया का सबसे अच्छा चाय बनाने वाला बनूंगा। तो चाय वाले बन जाओ ना बेबी, गुस्सा आ रहा है ना अपने पर, इरिटेशन हो रही है ना। मॉर्निंग खराब हो गई पूरी पता है इस चाय की वजह से। तो तुम्हें दिखावा क्यों करना था कि मैं चाय बना रहा हूँ? 100% तुमने लोगों के सामने दिखावा किया है चाय बनाने का। मैं क्यों तुम पे डिपेंडेंट रहूँ ना कि चाय बनाओ, जब तुम्हारा मन करेगा तुम बनाओगी तो मैं पीऊंगा। और अब तो तुम पूरे डिपेंडेंट हो गए उस चाय के बाद। तो यहाँ तक गैस घूम रही है पता है, जैसे थोड़ी देर में सर फाड़ के गैस बाहर निकल जाता है। तू चुप करना है, तू क्या कहेंगे कर रही है, मारू कभी। कितनी गंदी चाय, दिखने में ही कितनी गंदी लग सकती है, वो पीने में कैसी होगी। ऐसा लग रहा था उसमें ना किसी ने प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला दी। आप लोगों को दिखाने के लिए इसने चाय बनाई है, मैं काम भी करता हूँ। और मैं जब चाय बनाती हूँ तो बेबी ऐसे नहीं, थोड़ी ऐसी हो जाती तो, ऐसी नहीं तो ऐसी हो जाती तो। खुद की हालत देखो, कुत्ता तक तुम्हें वो नहीं दे रहा है, तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही है कुत्ते से। सोच रहा था चाय चुपके से कुत्तों को पिला दूं, तुम सो रही हो तो। चल कुछ लेकर, जिस काम के लिए तू है वो कर। कुत्ता भी बोल रहा है ए चाय। इसके ऊपर से क्या खाऊं कि ठीक हो जाए सब। सुबह तुम्हें उसके पास नहीं जाना, सुबह उसे चाहिए मसाज। अब ये मसाज चाहिए, सुबह करती हो मेरा इस्तेमाल और फिर निकल लेती है। देखना देखना कैसे मना कर रही है मेरे को। इधर आ, देखो भाग गई भाग गई। क्या है? इधर आ, इधर मम्मा के पास। पीछे गिर जाएगी। अरे 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 अरे, क्या अटक गया, अटक गया मेरी चाय तो नहीं पी ली। मुझे देख रही चारों तरफ से। हाँ, तुम जैसे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तुम्हें बताएगी। अरे 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 अरे, ये देखा, ये क्या बदतमीजी है कैंडी। तुम्हें लेट नहीं देगी वो, कह रही है खुजली कर। पीछे कर रहा हूँ तो आ गया था। नमीला गुच्छू बाबा है, छोटा मम्मा कर दो मसाज। कर तो रहा हूँ, यहाँ कर रहे, यहाँ भी करो उसको। हाँ, ये आदत मैंने इसको क्यों डाली ऊपर वाली पता। तुम नहीं डाली है आदत, तभी आई है, ये लो। अरे यार कितना ड्रामेबाज कुत्ता है ये। देखो हम लोग बेड ठीक कर रहे हैं तो इसको लग रहा है इसके साथ खेल चल रहा है। साफ करने दे बैठ। अरे तेरे को क्या लग रहा है, बैठ बनाने दे ना, चल जल्दी ले। अरे काम तो करने दे। चलो चलो काम करें। आप जरा देख लो ये बैठी कहाँ है और कितने मजे ले रही है। क्यों चैरू, ये क्या हो रहा है यार, कैसी है। इसकी माँ से यहाँ पे हटा दिए रिक्लाइनर तो यहाँ पे आके बैठ रही है, धूप सेक रही है। She's damn cute यार। अब आप देख लो जरा कैंडी, तुम दोनों की दोनों पूरे मजे ले रही हो रिक्लाइनर के हैं। ऐसे ऐसे करते है ना तो ये अपने आप हिलने लग जाता है। दोनों मजे ले रही है, धूप सेक रही है यहाँ पे। मजे ले रहा है तू गंदू अकेले बैठ के। तो जी मैं भी हो चुका हूँ रेडी, मेरी ट्रिमिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो दाढ़ी एकदम मस्त लग रही है मेरी, एकदम स्लोप लुक करवाया मैंने, कम 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 ज्यादा ज्यादा ज्यादा। और संभावना इधर अपनी कॉफी बनाना शुरू कर चुकी है। क्या बेबी आज बोर्ड पे क्या लिखा है? आई लव माई यूट्यूब फैमिली। अरे वाह, कल लोगों ने क्या 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 कितने सजेशन दिए पता है मैंने मांगे तो इन्हीं के लिए लिख रहा हूँ। तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है यार। तुम्हारी कसम बेबी मैं कितना गंदा लिख रहा हूँ 3 दिन से, उस पे लग रहा है किसी ने छींटे मार दिए पानी के। मग आज ले लेते हैं बेबी, राइटर वाला मग ले लेते हैं। राइटर वाला कौन सा? ये रहा, आई एम राइटर, व्हाट्स योर सुपर पावर? ये लेना है, मैं मेरा डिसाइड करती हूं, मैं वो बटके वाला लूंगी।
होंगी शायद अंदर धुला हुआ। ये तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम घड़े में कॉफी पी रही हो, इसमें पीती हो तो? मैं इसी में पीऊंगी। कुत्ते बिल्ली कहाँ सारे? एक कुत्ता धूप सेक रहा है वहाँ पे, खिड़की खोल बैठेंगे ना, चलो यहाँ पे बैठेंगे। नहीं नहीं, उसको उधर रहने दो, उसको धूप चाहिए यार। खिड़की खोल दूंगा उसके लिए थोड़ी देर। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, अभी वो मेरे पास ही आके बैठेगी। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये जो खुशबू आती है ना कॉफी की, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मेरे साथ अंदर में ऐसे तरंगे उठती है। मत बताओ ना, माँ कॉफी खिला के बैठ चुकी है और बच्चों ने भी अपना कब्जा जमा लिया, एक गोद में आ गया, एक साइड में आ गया और एक नीचे आ गई है। नहीं, इसको तो मैं लेके आई हूँ, इसको तो मैं उठा के लेके आई हूँ, ये आई है अपने आप। और ये चेरी, तूने इतना गंदा रोना कौन से स्कूल से सीखा है बेटा? यार इतना गंदा रोती है, मतलब आपका ना खून जल जाता है। आप काम कर रहे होगे ना तो आपका खून जला देगी। बीबी उसको देख रही हो, खिसक खिसक के नीचे आ गई है। वो ऊपर बैठी थी हत्थे पे और सो भी गई है। बहुत चिंता होती रहती है, जब भी थोड़ा खाना छोड़ देता है, कुछ हो जाता है ना, मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो चिंता किस बात की? अरे अरे अरे, 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 अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को? ठीक है मैं घर पे, यहाँ पे यहाँ का एड्रेस कैसे पता चल जा रहा है लोगों को? समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आसपास वाले तो नहीं है? कुकीज है बेबी, प्यारी प्यारी, इतनी सारी कुकीज दे गए आप लोग, हमें मोटा करना चाहते हो? दिस लुक्स रियली नाइस। क्या नाम है? हेलो संभावना मैम, I am Raj Shah. I'm your subscriber. I'm a huge fan. I'm giving this parcel through your building guard. I wish to meet you, but your guard said that he can't call you. Obviously, क्योंकि ना बीच में आपको बताती हूँ मैं, किसी को भी बिल्डिंग में आना इसलिए अलाउड नहीं है। ऐसा हुआ है बीच में, बहुत ज्यादा लोग हमारी बिल्डिंग तक पहुंचे और उससे क्या होता है ना, थोड़ा डर भी पैदा हो जाता है कि कौन आ रहा है, कभी अविनाश घर पे है कभी नहीं है, इस वजह से भी बिल्डिंग में आना किसी को अलाउड नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। Oh, there is David off. मतलब, और तुम्हें पता है आज ही खत्म हुई है, लास्ट चम्मच डाला है मैंने आज। Seriously? यहाँ पे और ये क्या है? ये मग है। अरे भगवान, एक स्पून भी नहीं, कितना क्यूट सा बेबी, छोटा स्पून है। और दिस इज सो क्यूट, मिलाने के लिए आप लोग, भगवान हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने कि आप हमें लेटर्स भेजिए, हमें गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आपका प्यार इज मोर देन एनफ, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ लेटर्स भेजो, क्योंकि इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है चीज। और हमारा घर तोड़ रहे हैं क्या आप लोगों को? जैसे मैंने अभी अभी हाथ जोड़ा था, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग गिफ्ट मत भेजिए, सेंड ओनली लेटर, क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लगा है, तो इसको तो मैं प्लेस कर देती हूँ यहाँ पे, है ना? कैसा लग रहा है? लवली कलर, क्यूट। ये इसको मैं इसमें रख देती हूँ, देखो इट लुक्स नाइस ना। वेरी नाइस। तो जी हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा बाहर चले जाएं, क्योंकि फ्री थे और हमने सोचा सबको ढूंढ लेते हैं घर में है कि नहीं। तो देखो हमें चेरी कहाँ मिली है, देखो ये वहाँ थी पीछे, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सफेद बंदर, हम आते हैं अभी, मतलब दोस्तों हम आते हैं अभी। छोटी बब्बी, मम्मा यहीं तक गई थी थोड़ा सा काम के लिए, बड़ी बब्बी। तो जी संभावना ने डिसाइड किया है कि आज तीनों को रगड़ रगड़ के नहला देगी फिर से। आज मैं तीनों को नहलाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहले चेरी की बारी आ जाए, फिर अभी कोको को बुलाऊंगी, फिर मैं कैंडी को नहलाऊंगी आज, वो जो डॉक्टर ने दिया हुआ शैम्पू उससे नहलाऊंगी इसको। आज कैंडी कैंडू, आज आपको भी नहाना है, अंदर जा रही है सुना, आपको भी नहीं नहीं करना, आज नहीं नहीं करने, आज मम्मा के पास, मम्मा बहुत पालची नहीं नहीं कराएगी आपको, हालत खराब है। जाने मम्मा के पास, जाओ मम्मा पास जाओ। रंदा मार रही हो? हाँ। इतनी जोर से मारो कि थोड़ा वजन भी कम हो जाए, थोड़ा थोड़ा छील दो इसको अच्छी तरह साथ में, रगड़ के नहलाऊंगी। हाँ तेरी खुजली निकालू, ऐसे लग रहा भेड़ नहा रही है। आज तीनों की बारी है, कोको फ्रेश फ्रेश हो जाए मैंने नहीं नहीं करके। भाई आज गजब पेड़ा उठाया बेबी तुमने तीनों को नहलाने का, क्या करूं मैं भी। चेरी को कल दोबारा नहलाना पड़ेगा, चेरी का ही है प्रॉब्लम, मतलब ये लोग तो एक एक महीना ना नहाए तो चल जाता है, चेरी का हर दो दिन बाद नहलाना पड़ता है इसको। तब तक खैर मनाएगा बेटा, तेरा नंबर भी आएगा बेटा। अब मेरे छोनू की बारी है, बे पकड़ो ना, उठा के दो ना उसको, पता लग गया नहाने जा रही है। चलो चलो चलो, इसको तो वॉश बेसिन में डाल दो। मैं जैसे ही लेटी हूँ ना, इनको नहला के ये देखो, चुनी नीचे उतर बेटा, तू गीली है अभी, देखो ना ये नहीं उतर रही।
ऊपर चढ़ गई है। चलो नीचे उतर, चल नीचे उतर। मैंने कहा नीचे उतर, बढ़िया रुक जाते थोड़ा छो, रुक जाते अच्छे नहीं करते। अभी आप गीले हो, देखो कोको भैया भी सूखी सूखी कर रहे हैं ना, आप भी कर लो। अब यहाँ पे दिया जाएगा बच्चों को खाना, और अभी थोड़ी देर पहले यहीं से निकलते हो, मैं गिरा हूँ बहुत बुरी तरह इस पानी में, कीचड़ में, मेरा हाथ टेढ़ा हो गया, पुट्ठों में बहुत जोर से चोट लगी है। मैं इनको नहला के थक गई थी, मैंने कहा 5 मिनट में आराम कर लेती हूँ तो ये खाना दे देगा, उसी में गिर गया और इतना बुरी तरह से फिसला है। मैं बोल रही हूँ आराम से और मुझे बोल रहा है कि जरा ध्यान से चलना बेबी, गिर ना जाओ, उसके बाद ही गिरा है ये बोलते ही। नहीं, कोको को छोटे वाले में दे दो बेबी, कोको का मुंह नहीं पहुंच रहा, थोड़ा सा और दो। हाँ बस कैंडी का ये कम करो बस बस, ये लो कैंडी और दो थोड़ा सा, जाना मत दो, मोटी हो रही है, थोड़ी दो थोड़ा तो दो, बस बस हो गया। आप लोग खाना खा लो, चल चिड़िया खाना खा। अब इसको पूरा ड्रामा चाहिए खिलाने के लिए, किसको पता है ना, कैंडी को। छोटू वाला भी खा लेगा कैंडू, अभी सबको दिखाएगा कैंडू ये छोटा वाला खा के, चले सब लोगों को दिखाएगा। आजा खा ले, इतना मारू ना इसको पकड़ पकड़ के उल्टा लटका के। मेरे होते हुए तो भाई साहब इनको हद ही लाड चाहिए, इतना जिद पना करते हैं, इतना जिद पना करते हैं कि क्या ही बताऊं। तो जी ये हुई है डायरेक्ट रात। आज के बाद बहुत काम कर रही थी, आज बहुत काम थे, मीटिंग थी बाहर में, मीटिंग के लिए चली गई, आके बच्चों को खाना दिया, अब ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं एंड करने के लिए, शुरू कर रहे हैं एंड करने के लिए। ठंडी है भैया बहुत ठंडी, आंख से आंसू कैसे नीचे गीली हो रखी, देखो पूरी आंख। ज्यादा ना नौटंकी मत करो, कुछ नहीं हुआ उसको, आंसू क्या, अभी तो घुमा के लाया, अरे तीनों को घुमा के लाया भाई, तीनों को राउंडिंग कराई है, राउंडी राउंडी। कहीं ऐसा तो नहीं कि घूमना नहीं था, जबरदस्ती घुमा दिया इसलिए रो रहे हैं? नहीं जी, हम आपको मिल रहे हैं आप कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ। पता है ना क्या एंटरटेनमेंट। तुम्हें नहीं लग रहा कि आज बहुत जल्दी सो गए बेबी? 9 बज रहे हैं बस। 9 बज रहे हैं क्या? हाँ नहीं नहीं बेबी, 9:15 हो गए। नहीं 9:15 हो गए, लेट मी जस्ट स्लीप।